हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। सी लैंग्वेज में एक बेसिक फॉर लूप की बात करेंगे। रेपिटेशन के लिए लूप यूज होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो चलिए यहाँ पर मेन फंक्शन मैं बना लेता हूँ और एंटर करता हूँ नीचे, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा। यहाँ पर हम लूप लगाएंगे, तो फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है। इससे भी पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए नाम से बना लेते हैं और यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। तो यहां लिखूंगा a इज इक्वल टू 1, यानी a में इनिशियलाइज कर दिया 1, और a इज लेस देन इक्वल टू 12 कर देते हैं, यानी यहां पे लेस देन इक्वल टू किया है। खाली लेस देन देंगे तो मतलब 11 तक ही चलेगा, तो खाली लेस देन ही दे देते हैं, ठीक है। यहां टर्मिनेट करता हूं और यहां पे प्लस प्लस a करूंगा, प्लस प्लस a, ध्यान दीजिएगा स्मॉल a लिखा है तो स्मॉल ही a आप दीजिएगा। यहां पे लूप की बॉडी बनती है कर्ली ब्रैकेट से, तो कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बना ली, और अब यहां पे प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, तो यहां लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पे क्या करना है आपको, परसेंट डी दे देना है, परसेंट डी, परसेंट डी दे दिया, कॉमा, किस में जाके वैल्यू स्टोर होगी, तो ए में जाके स्टोर होगी, तो यहां ए दे दिया। अब हमारा काम हो गया, तो अब इसको सेव करने की बारी है। ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है, कंट्रोल एफ नाइन करके इसको कंपाइल करवा देते हैं और फिर अब रन करवा देते हैं यहां से चल के। तो ये कंपाइल तो हो ही गया है, इसको रन भी करवा देते हैं। तो रन करवाने पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये हर लाइन में अलग अलग प्रिंट करे, तो यहां पर आप बैक स्लैश एन लगा दीजिएगा, लाइन ये चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको वापस से कंपाइल एंड रन करवा लेते हैं, आप देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक ये प्रिंट करके आपको दे रहा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।